गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ बायोलॉजी फैकल्टी फ्रॉम एलिट इंस्टीट्यूट बोरिंग रोड पटना। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन और एंजियोस्पर्म्स के आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में अंदर हम लोगों ने मेल सेक्स ऑर्गन देखा था एंजियोस्पर्म का। आज हम लोग देखते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन एंजियोस्पर्म्स में क्या है? गायनोशियम। और इसका यूनिट क्या होता है? कार्पेल या पिस्टल, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं? ये मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज़ गायनोशियम और उसका यूनिट क्या है? कार्पेल या पिस्टल। जैसा कि आप इसे स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है पूरे का पूरा गायनोशियम का। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टिग्मा आपको दिख रहा है, स्टाइल है, और ये वाला पार्ट जो है इसे हम बोल रहे हैं ओवरी। ओवरी में आपको क्या मिल रहा है? ओव्यूल मिल रहा है। तो स्टिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ द रिसेप्टिव पार्ट विच रिसीव्स द पॉलन ग्रेन। ये क्या करता है? पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है इस पार्ट पे ही, जो पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। पॉलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। तो एंथर से जो एंथर जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र करता है वो इसी पोर्शन पे करता है, स्टिग्मा पे। ठीक है, तो स्टिग्मा का काम क्या होता है? रिसीव करना पॉलन ग्रेन को। दूसरा पोर्शन आप देख रहे हैं स्टाइल। इट कनेक्ट स्टिग्मा टू द ओवरी। जो स्टाइल है ये क्या करता है? स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है ताकि क्या हो सके? ताकि आसानी से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से ओवरी तक पहुंच सके। एंड थर्ड पार्ट इज़ ओवरी। इट इज़ द बेसल स्वेलन पार्ट विच कंटेन द ओव्यूल। ये जो बेसल पार्ट है गायनोशियम का, ये क्या है? बेसल पार्ट है जो कि क्या कंटेन कर रहा है? ओव्यूल को कंटेन कर रहा है। ठीक है ना। और फिर आप देख रहे हो थैलमस एंड द स्टॉक ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड पेडिसेल। कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग देख लेते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल को हम बोलते हैं स्टामेन। मेगा स्पोरोफिल को हम क्या बोलेंगे? कार्पेल या पिस्टिल। उसी तरह माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन चैम्बर को बोलते हैं, तो मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल को बोलेंगे। मेल गैमेटोफाइट क्या होगा इसका? पॉलन ग्रेन। और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायो सैक। उसी तरह मेल गैमेट न्यूक्लियाई ऑफ पॉलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेट एग सेल। तो ये सारे टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए कि कहीं अगर फीमेल गैमेटोफाइट लिखा है तो पता होना चाहिए उसका मतलब एम्ब्रायो सैक एंजियोस्पर्म्स में। मेल गैमेटोफाइट लिखा है उसका मतलब पॉलन ग्रेन। मेगा स्पोरेंजियम लिखा है उसका मतलब ओव्यूल। माइक्रोस्पोरेंजियम लिखा है उसका मतलब पॉलन चैम्बर। माइक्रोस्पोरोफिल लिखा है तो स्टामेन, और मेगा स्पोरोफिल लिखा है तो कार्पेल या पिस्टल। तो दीज आर सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो अगर हम पहले देखें पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, तो पॉलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो यानी हम मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अगर आप देखें तो जो इसमें सबसे आउटर लेयर है इसे हम बोल रहे हैं एग्जाइन। एग्जाइन में आप देखिएगा कहीं कहीं पे आपको डॉटेड लाइन दिख रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ एग्जाइन मिसिंग है वहाँ पे क्या होता है? जर्म पोर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि पॉलन जो ग्रेन है उसका कौन सा पार्ट है? वैसा पार्ट है जहाँ पे एग्जाइन मिसिंग है। इसके बाद एग्जाइन के अंदर कौन सा लेयर है? इंटाइन, आप क्लियरली देख रहे हैं। इसके बाद आपको दिख रहा होगा इसमें साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। मेगा स्पोरेंजियम, ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें ओव्यूल का, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ बीच में एम्ब्रायो सैक है। और एम्ब्रायो सैक क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा ना टर्मिनोलॉजी में, बताइए क्या होता है एम्ब्रायो सैक? फीमेल गैमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रायो सैक बोलते हैं। ठीक है ना। सो यहाँ आप देख रहे हैं एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक के बाहर आपको इंटीग्यूमेंट्स दिख रहे हैं जो इसको कवर्ड कर रहा है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ इंटीग्यूमेंट्स है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये जो जहाँ पे इंटीग्यूमेंट नहीं है उस वाले रीजन को माइक्रोपाइल बोलेंगे। माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट वाला रीजन चैलेजा। देन आप देख रहे हैं ये जो ओव्यूल का स्टॉक है इसे हम क्या बोल रहे हैं? फ्यूनिक्यूलस। ठीक है, या फ्यूनिकल भी बोलते हैं। और यहाँ प्लासेंटा है, और फिर अगेन क्या हो गया? थैलमस एंड पेडिसेल। इसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ये जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल आगे जाके जो फ्यूनिकल का यहाँ एंड आप देख रहे हैं इसे हम बोल रहे हैं हाइलम। हाइलम के ठीक सामने जो डोम शेप स्ट्रक्चर होगा उसे हम बोलेंगे रैफी। ठीक है,
तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, ओव्यूल का। तो यहाँ हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लिए एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ऑफ ओव्यूल यानी मेगा स्पोरेंजियम। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर देखते हैं। एम्ब्रायो सैक को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। तो एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ देखिए आपको यहाँ दिख रहा है एंटीपोडल सेल तीन नंबर में होगा, तीनों कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। फिर आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा एग अपैरेटस। एग अपैरेटस में क्या क्या आ रहा है, एक तो एग सेल है, दो आपको क्या दिख रहा है सिनर्जिड, और ये तीनों के तीनों सेल कैसे हैं, हैप्लॉइड है। एंड बीच में आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा क्या है, सेंट्रल सेल है, और ये जो सेल है इसमें आपको दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, पोलर न्यूक्लियाई कंडीशन, डाइकैरियन कंडीशन है यहाँ पे, इसे हम बोल रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई। और सिंस दो न्यूक्लियस है इसलिए हम एन प्लस एन लिखेंगे, ठीक है ना। सो और ये वाले एंड को हम बोलेंगे चैलेजल एंड, और यहाँ जो एंड आपको दिख रहा है इसे हम बोल रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड। अब अगर हम नंबर ऑफ सेल्स काउंट करें तो यहाँ तीन एंटीपोडल सेल्स हैं, एक सेंट्रल सेल है, और एक एग सेल है, और एक सिनर्जिड है, यानी टोटल कितने सेल हो गए आपके आपके पास यहाँ पे, तीन तीन छः और एक सात सेंट्रल सेल, तो सेवन सेल्स हो गया। और न्यूक्लियस अगर काउंट करें तो तीन न्यूक्लियस यहाँ, ठीक है, सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियस है तो पाँच, और यहाँ तीन न्यूक्लियस, यानी टोटल आठ न्यूक्लियट स्ट्रक्चर, यानी सेवन सेल एंड एट न्यूक्लियट एम्ब्रायो सैक, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन का। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का फॉर्मेशन होगा, देन पॉलिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, ये देख रहे हैं आप पॉलन ग्रेन है, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब, और इसमें आपको दो मेल गैमेट मिलेंगे, ठीक है, दोनों के दोनों कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब क्या होता है कि जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन द पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। क्या होता है, जो पोलर न्यूक्लियाई जिसमें दो न्यूक्लियस थे, एक सेंट्रल सेल के अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई था जिसमें दो न्यूक्लियस थे, वो दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले फ्यूज़ हो जाते हैं टू फॉर्म अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। क्या फॉर्म करते हैं, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, तो हो जाता है 2N, और उसे अब हम बोलेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में कैसे होता है, तो इट टेक प्लेस इन टू स्टेप्स, दो स्टेप्स में होता है। पहला जो यहाँ आप देख रहे हैं मेल गैमेट कितना है, दो, तो पहला जो मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा, यानी क्या होगा, सिनगैमी होगा, तो क्या बनेगा, जायगोट, विच इज़ 2N, क्योंकि एक मेल गैमेट N और एग सेल भी N, तो फ्यूज़ करके क्या बनाएंगे, 2N, और ये ग्रो करके किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रायो में, जो कि होगा 2N। ये पहला फर्टिलाइजेशन। दूसरा फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जो दूसरा मेल गैमेट है, ठीक है, जो दूसरा मेल गैमेट है वो यहाँ एन ही है, 2N नहीं है, दूसरा मेल गैमेट है वो भी क्या है, एन, और सेकेंडरी न्यूक्लियस आप देख रहे हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस 2N है, यहाँ हमने देख लिया, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस 2N है, और ट्रिपल फ्यूज़न होगा, यानी यहाँ पे एन और सेकेंडरी न्यूक्लियस का 2N, ये दोनों फ्यूज़ हो गए, तो इसे हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न, और क्या बनेगा, PEN, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, विच इज़ 3N, ये ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद क्या फॉर्म करेगा, एंडोस्पर्म, यानी एक फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनेगा और दूसरे फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म क्या करता है, टेक नरिशमेंट फ्रॉम जायगोट, जायगोट से नरिशमेंट लेता है, क्लियर। सो रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन है वो दो मेथड से होता है, एक तो सिनगैमी जिसमें एक मेल गैमेट एक एग सेल से फ्यूज़ करेगा और जायगोट बनाएगा, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन जिसमें एक दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा और बनाएगा एंडोस्पर्म। तो ये दोनों मिला करके होता है एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन, इसे हमको याद रखना है। ये है फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में। नाउ डबल फर्टिलाइजेशन जो है इसको डिस्कवर किया था नवाज़चिन ने इन लीलियम एंड फ्रीली लेरिया प्लांट, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन को फ्रीली लेरिया और लीलियम प्लांट में नवाज़चिन ने डिस्कवर किया था। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था, जो फाइव न्यूक्लियस आई आर इन्वॉल्व, पांच न्यूक्लियस इन्वॉल्व थे, कौन कौन से, दो न्यूक्लियाई ऑफ मेल गैमेट, दो न्यूक्लियाई तो मेल गैमेट के, प्लस वन एग सेल ऑफ एग सेल, ठीक, ये पहले वाले फ्यूज़न में, प्लस दो पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस अगर आपसे पूछा जाए कितने इन्वॉल्व थे, तो पाँच,
गैमेट्स कितने इन्वॉल्व है, तो तीन, दो मेल गैमेट और एक एग सेल। क्लियर। नाउ फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ओव्यूल चेंज इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में चेंज हो जाएगा। ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। ओवरी वॉल चेंजेस इनटू फ्रूट वॉल, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। जाइगोट चेंजेस इनटू एम्ब्रायो। जाइगोट एम्ब्रायो में चेंज हो जाएगा। टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा, यूकेलिप्टस रेगनेंस। बट टॉलेस्ट ट्री इज सेक्विया सेमनीवायरेंस रेडवुड ट्री, जो कि एक ब्रायोफाइट है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। स्मॉलेस्ट फ्लावर पूछा जाए तो वॉल्फिया अराइजा। लार्जेस्ट फ्लावर पूछा जाए तो रेफ्लेशिया अर्नोल्डी। और फ्लावर ऑफ मोस्ट हाइट कौन सा हो जाएगा, एमॉर्फोफेलस, 6 फीट हाइट का होता है। क्लियर। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल अगर देखें तो सबसे पहला जो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट विच इज़ 2N, ये क्या फॉर्म कर रहा है, मेगा स्पोरेंजियम या माइक्रो स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम के में क्या मिलता है आपको, मेगा स्पोर मदर सेल, और माइक्रो स्पोरेंजियम में माइक्रो स्पोर मदर सेल। अभी तक सारे स्ट्रक्चर कैसे हैं, डिप्लॉयड। अब इसमें होगा स्पोरिक मियोसिस। मियोसिस होगा तो मेगा स्पोर मदर सेल से फॉर्म होगा मेगा स्पोर, एंड माइक्रो स्पोर मदर सेल से क्या फॉर्म होगा, माइक्रो स्पोर फॉर्म होगा। सो मेगा स्पोर से फॉर्म होगा फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि एम्ब्रायो शेक है। और ये जो मेगा स्पोर है वो स्पोरिक मियोसिस से फॉर्म हुआ है, तो ये क्या होगा, मियोसिस क्या कर देता है, डिप्लॉयड को हैप्लॉयड कर देता है ना। तो मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर फॉर्म हुआ, तो मेगा स्पोर क्या है, हैप्लॉयड, जैसा कि आप देख रहे हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बना, माइक्रोस्पोर, वो भी क्या है, हैप्लॉयड। मेगा स्पोर क्या फॉर्म कर रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट विच इज़ एम्ब्रायो शेक। एंड माइक्रोस्पोर क्या फॉर्म कर रहा है, मेल गैमेटोफाइट विच इज़ पॉलन ग्रेन। दोनों हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब एम्ब्रायो शेक से क्या फॉर्म होगा, फीमेल गैमेट दैट इज़ एग, ये भी हैप्लॉयड। और मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन से क्या फॉर्म होगा, मेल गैमेट विच इज़ ऑल्सो हैप्लॉयड। दोनों गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस से फॉर्म हुए, माइटोसिस से फॉर्म हुए, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हमें कौन सा स्ट्रक्चर मिल रहा है, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर। अब दोनों ही गैमेट्स में फ्यूज़न होगा, सिनगैमी होगा, तो क्या बनेगा, जाइगोट विच इज़ 2N। एंड जाइगोट में माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा, एम्ब्रायो। एंड फाइनली सीड्स फॉर्म होंगे, सीड जर्मिनेट एंड ग्रो टू फॉर्म अगेन स्पोरोफाइट। तो यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इससे ऊपर जो भी स्ट्रक्चर है सब डिप्लॉयड है, इसके नीचे जो भी स्ट्रक्चर है सब कैसे हैं, हैप्लॉयड है। तो ये जो है लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म का। हम लोगों ने ऑलरेडी सारे लाइफ साइकिल को, चाहे अल्गी हो, ब्रायोफाइट्स हो, टेरिडिफाइट्स हो, एंजियोस्पर्म हो, जिम्नोस्पर्म हो, सबके लाइफ साइकिल को पहले दो लेक्चर में ही पढ़ लिया था। बट अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझ रहे हैं, ठीक है ना। सो बस हमें यहाँ पे उसको रिकॉल करना है। बाकी जो मेन था वो हमारे स्टार्टिंग का 2 लेक्चर 3 लेक्चर था प्लांट किंगडम का। क्लियर। सो ये है लाइफ साइकिल किसका, एंजियोस्पर्म का। अब इसके बारे में कुछ थियोरेटिकली हम लोग समझते हैं। द गैमेटोफाइट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। द डोमिनेंट स्टेज इज द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। जो डोमिनेंट स्टेज है वो क्या है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। हेंस द लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसीलिए जो लाइफ साइकिल पूछा जाता है एंजियोस्पर्म में कैसा होता है, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दो तरह के अलग बॉडी देखने को मिल रहा है, कौन कौन सा, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, इसीलिए बोलते हैं हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट। मियोसिस कौन सा हो रहा है, स्पोरिक मियोसिस ऑकर। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑकर एज एम्ब्रायो फॉर्मेशन टेक प्लेस। क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, क्यों, क्योंकि एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो रहा है। एंजियोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। एंजियोस्पर्म्स कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस, दैट इज मेल स्पोर कौन सा है, माइक्रोस्पोर, और फीमेल स्पोर है मेगा स्पोर, वो दोनों क्या है, सेपरेट। और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है एंजियोस्पर्म का, ऑकरेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, यानी सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन जो हो रहा है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, एंजियोस्पर्म का। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे 12th में। 12th का जो फर्स्ट यूनिट है उसी के अंदर हम लोग को पढ़ना है फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन, यानी एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन। नाउ अब हम लोग देखते हैं एंजियोस्पर्म्स के एफिनिटीज़ को। एफिनिटीज़ में सबसे पहले हम देखेंगे एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से सिमिलर किन किन टर्म्स में है। सबसे पहला तो इसमें सीड फॉर्मेशन होता है, एंजियोस्पर्म में भी होता है, जिम्नोस्पर्म में भी। दूसरा, वेस्कुलर टिश्यूज़ दोनों में ही मिलेंगे, एंजियोस्पर्म्स में भी मिलेंगे और जिम्नोस्पर्म्स में भी मिलेंगे। तीसरा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दोनों में ही देखने को मिलता है। डोमिनेंट स्टेज पूछा जाए तो दोनों में ही क्या, स्पोरोफाइट है। हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दोनों में ही देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों में ही स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों बॉडी है।
नेक्स्ट ट्रू डिफ्रेंशिएशन ऑफ द बॉडी, यानी जो बॉडी है वो ट्रू रूट स्टेम लीफ में डिवाइडेड है दोनों के ही केस में। नेक्स्ट इज स्पोरिक मियोसिस देखने को मिलता है, इम्ब्रायो का फॉर्मेशन हमें दोनों में ही देखने को मिलता है, और दोनों के दोनों कैसे हेट्रोस्पोरस है, यानी दो तरह के स्पोर्स मिलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, जो दोनों में ही होता है। तो दीज आर सम ऑफ द सिमिलैरिटीज बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच के डिफरेंसेस को देखते हैं। अगर हम बात करें फ्रूट, तो जिम्नोस्पर्म में फ्रूट फॉर्म नहीं होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। सीड्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में सीड्स अनकवर्ड है, एंजियोस्पर्म में सीड्स कवर्ड है। जाइलम की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में जाइलम में वेसल प्रेजेंट नहीं होता है, बट एंजियोस्पर्म में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम की बात करें तो सीव ट्यूब जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है फ्लोएम में, और एंजियोस्पर्म के फ्लोएम एलिमेंट्स में सीव ट्यूब प्रेजेंट होता है। रूट्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म का जो रूट है वो जनरली कैसा होता है, टैप रूट होता है, और एंजियोस्पर्म का जो रूट है वो टैप रूट भी होगा और एडवेंटिशियस रूट भी होगा। इंडोस्पर्म की बात करें तो इंडोस्पर्म कैसा होगा, इंडोस्पर्म्स आर हैप्लॉइड एंड इज फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले इंडोस्पर्म फॉर्म होता है, बट एंजियोस्पर्म में हमने देखा कि जो डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा था तो फर्टिलाइजेशन के बाद ही क्या फॉर्म हो रहा था, इंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा था, और ये कैसा था, ट्रिप्लॉइड था, 3N था। याद होगा क्यों, क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस 2N था और मेल गैमेट N था, तो 2N और N फ्यूज टू फॉर्म 3N स्ट्रक्चर, दैट इज इंडोस्पर्म। ठीक है, इसको और डिटेल में हम लोग 12th के अंदर पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थे डिफरेंस जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म। बच्चों, यहाँ जो भी हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस आपको बता रहे हैं, आपको आपका काम ये है, आपका होमवर्क ये है कि आपको उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के नाम लिखने हैं जिनमें जिनके थ्रू ये आपको मिलता है। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले एंजियोस्पर्म में यूज़फुल इम्पॉर्टेंस एंजियोस्पर्म का देखते हैं। तो आपको करना ये है कि वैसे एंजियोस्पर्म के नाम लिखने हैं जो कि एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज़ होते हैं, वैसे एंजियोस्पर्म का नाम लिखना है जिसको जिसका हम मसाले में यूज़ करते हैं, फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ हम आपको सिर्फ यूजेस बताएंगे, एग्जांपल्स आपको खुद से लिखना है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये बहुत इजी एग्जांपल्स है, सबको आता है, इस वजह से आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। सो आपका ये होमवर्क है। तो अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म। यूज़फुल इम्पॉर्टेंस देखा जाए तो सबसे पहला, एज अ सोर्स ऑफ फूड हम इसका यूज़ करते हैं, मसाले में, फ्लेवर के लिए इसका हम यूज़ करेंगे, ड्राई फ्रूट्स के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ टिम्बर, फॉर एग्ज़ाम्पल इन फर्नीचर्स हम इसका यूज़ करते हैं, फाइबर यील्डिंग प्लांट के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं, मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है, इवन ग्रीन प्लांट क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन बाय रिस्पिरेशन, एंड दे आर द बेसिस ऑफ ऑल द फूड चेन ऑपरेटिंग इन आवर इकोसिस्टम। तो इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस तो हमें पता है, इन सब के एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट इज हार्मफुल इम्पॉर्टेंस। इसका हार्मफुल इम्पॉर्टेंस क्या है, सम एंजियोस्पर्म्स आर पॉइजनस, कुछ एंजियोस्पर्म्स कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जैसे धतूरा अल्बा। दूसरा, सम पॉलन ग्रेन कॉज एलर्जी टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना, कुछ पॉलन ग्रेन क्या कॉज करते हैं, एलर्जी कुछ ह्यूमन बींग्स के अंदर, जिसे हम बोलते हैं हे फीवर, एग्जाम्पल पार्थेनियम। सम प्लांट्स हैविंग पॉइजनस हेयर दैट कॉजेज स्किन एलर्जी, कुछ प्लांट्स में पॉइजनस हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्किन एलर्जी कॉज करते हैं, जैसे यूट्रिका डायका। एंड विड्स, आप जानते हैं विड्स को किसे हम बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट को, कॉज डिस्टर्बेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट, क्रॉप प्लांट के ग्रोथ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द हार्मफुल इम्पॉर्टेंस ऑफ एंजियोस्पर्म। सो स्टूडेंट्स, अब हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं, प्लांट का लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। सब हम देख चुके हैं, बस एक बार हमें रिकॉल करना है कि इन द प्लांट किंगडम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑपरेट। तीन तरह के लाइफ साइकिल हमने देखा है, कौन कौन सा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डोमिनेंट बॉडी क्या था, तो ऑब्वियस सी बात है गैमेटोफाइट। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ब्रायोफाइट्स के अंदर
ब्रायोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट बॉडी था वो था गैमेटोफाइट, और टेरिडोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट बॉडी था वो कौन सा था, स्पोरोफाइट। और डिप्लोडेंटिक लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट बॉडी था वो कौन सा था, वो था स्पोरोफाइट। अगर हम टाइप्स ऑफ मियोसिस की बात करें तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोटिक मियोसिस हो रहा था, हैप्लोडिप्लोन्टिक में स्पोरिक और डिप्लोन्टिक में भी स्पोरिक मियोसिस। नंबर ऑफ बॉडीज हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में एक, हैप्लोडिप्लोन्टिक में दो और डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में भी दो। अगर टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में होमोमॉर्फिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक में हेट्रोमॉर्फिक और डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में भी हेट्रोमॉर्फिक, क्योंकि दो अलग अलग बॉडी मिल रहे हैं। एग्जाम्पल्स बात करें तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल बहुत सारे एल्गी में, फंगी में देखने को मिलता है। हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल कुछ एल्गी में जैसे पॉलीसिफेनिया, इक्टोकार्पस, केल्प्स, इन सब में आपको हैप्लोडिप्लोन्टिक मिलेगा। बाकी सब में इन जनरल एल्गी में कौन सा होता है, हैप्लोन्टिक। और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में तो हैप्लोडिप्लोन्टिक होगा ही होगा। एंड डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल अगर पूछा जाए तो किस में होता है, एल्गी लाइक फ्यूकस और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में इन जनरल क्या होता है, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होता है। क्लियर? सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका जो प्लांट किंगडम है वो ओवर होता है। ठीक है, ये जो प्लांट किंगडम चैप्टर है, हाँ थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर था बट कोई नहीं, ये जो हमारे जो फर्स्ट दो तीन लेक्चर है वही लेक्चर अगर आप क्लियरली समझ जाते हैं तो आपको पूरा लेक्चर में दिक्कत नहीं होना है। पूरा लेक्चर में बस आपको समझना है कि यहाँ ये होता है वहाँ ये होता है। हम लोगों ने एक चार्ट के फॉर्म में सबको रिकॉल कर लिया था स्टार्टिंग के लेक्चर में ही कि किस में क्या होना है। सो यहाँ पर आपका प्लांट किंगडम ख़त्म होता है।